क्वेश्चन वन ऑफ पेपर वन इज मैपिंग. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यूपीएससी इज गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट वन से लेकर के 20 तक, ठीक है. छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस होंगे यहां पर. फॉर एग्जाम्पल वन में भी अ हरप्पन सिटी, ठीक है. 20 में भी एन एंशियंट पोर्ट, राइट. एंड मैप के ऊपर 20 डॉट्स बने होंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिखा देते हैं यहां पे दोबारा से कि दिस इज साइट नंबर वन एंड दिस इज साइट नंबर 20. मैं 20 तो बनाने नहीं वाला हूं, तो इसी में आप लोग संतोष करिए, ठीक है. अब आपको करना क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होगा वहां पर दोबारा से यही नंबर होगा, दोबारा वही डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, अ हरप्पन साइट, और उसके नीचे ब्लैंक स्पेस दिया गया होगा. व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस साइट, ठीक है. तो अभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत जीएस में तो हिस्ट्री पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने तो पढ़ा होगा. बताओ कौन सा साइट होना चाहिए, कौन से स्टेट में पढ़ रहा है? यूपी में. हाँ, ये प्रोबेबली आलमगीरपुर होगा, राइट. इट इज दी वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न मोस्ट हरप्पन साइट डिस्कवर्ड अनअर्थ टिल नाउ. एंड आफ्टर दैट इन अबाउट 30-40 वर्ड्स यू हैव टू राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस साइट. तो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें लिखोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे ये बताओगे एग्जामिनर को कि एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है. इट इज बेटर टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट इट इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ इन द स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं पूरा लिखना है कि आपने 20 वर्ड इसी में खत्म कर दी लोकेशन लिखने में ही, कि द साइट ऑफ आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो खत्म हो गया आपका स्पेस खत्म. इसमें आपको जीरो अंडा नंबर मिलने वाले, नए नंबर मिलेंगे, ठीक है. अच्छा, इसके बाद आपको क्या लिखना है, दी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट. फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो इसके बारे में, इट इज बिलीव टू बी द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. ये इसके बारे में यूनिक एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. अगर कोई यहां पे डिस्कवरी हुई है आपको पता है तो यहां पे लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या करोगे, देन आपके पास ऐसे 1-20 के लिए हर एक कैटेगरी के लिए कुछ कुछ जेनेरिक पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि सब में फिक्स हो जाए, फिट हो जाए, ठीक. फॉर एग्जाम्पल हरप्पन साइट है, यानी कि क्या देखने के लिए मिलेगा, टाउन प्लानिंग देखने के लिए मिलता है, यूज ऑफ बर्नट ब्रिक्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है. वी हैव मटीरियल विद हरप्पन स्क्रिप्ट ऑन रिटन ऑन इट, हाँ. तो ये आप ये तो यहां पे बताया हुआ है ना हरप्पन साइट,
तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है। अब कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिनका हरप्पन कॉन्टेक्स्ट भी होगा, जिनका नियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट भी होगा, जिनका वैदिक पीरियड का भी कॉन्टेक्स्ट होगा, तो वहां पे क्या करना चाहिए? इफ यू हैव सफिशियंट डेटा विद रिगार्ड्स टू द हरप्पन कॉन्टेक्स्ट जो कि मेंशन है आपका क्वेश्चन में, तो आपको उसके बारे में लिखना चाहिए। एंड बट यू शुड स्टिल मेंशन दैट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज अदर पीरियड्स ऑल्सो, ठीक। लेकिन अगर आपके पास सफिशियंट इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द हरप्पन पीरियड जो कि वहां पे साइट मेंशन है, देन आप उसका लोकेशन अगर आपको पता है तो वो बता करके, कम से कम स्टेट तो पता ही होगा कि कहाँ पे हो, तो मैप में दिख जाएगा, राइट। इसके बाद बता करके आप उसका बाकी जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है उसको डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक साइट है पेलियोलिथिक साइट, यहाँ पे लोकेटेड है रोजडी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इट इज अ पेलियोलिथिक साइट, पेलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे काफी ब्लर्ड है, वी डोंट हैव एनी डेफिनेट एविडेंस, तो दिस यू शुड मेंशन, ठीक, कि ब्लर्ड एविडेंस यहाँ पे मिला हुआ है। बट दिस साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी लेट हरप्पन एज परस्पेक्टिव, तो आप यहां पे क्लियरली मेंशन करोगे दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द लेटर हरप्पन सिविलाइजेशन, एंड यहां से ये चीजें मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल लश्चरस रेड वेयर मिला है, रेड स्लिप्ड वेयर मिला है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स, कॉपर टूल्स मिले हुए हैं, एविडेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हरप्पन सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें मिली हुई हैं यहाँ पर। तो समझ में आया कि कैसे करना है? नाउ हाउ आर मार्क गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड? अब रियलिटी में किसी को पता नहीं है, बट मोस्ट पीपल अज्यूम कि अगर आपने एक साइट को करेक्टली आइडेंटिफाई किया है, तो आपको 2.5 में से 1 नंबर मिलेगा, एंड ऑन दी डिस्क्रिप्शन विल डिपेंड, सॉरी 1.5 मार्क्स, ठीक है। तो एक एक साइट इज वर्थ 2.5 मार्क्स ईच, 20 साइट्स हैं, टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है? इतना बेसिक समझ में आया है? गुड। नाउ अलग अलग साइट्स दी हुई हैं यहां पर। अब पिछले कुछ सालों से यूपीएससी क्या कर रहा है कि स्टेट वाला मैप दे रहा है आप लोगों को, राइट। बट इसके पहले स्टेट वाला मैप नहीं देता था, इट वाज अ ब्लैंक पॉलिटिकल मैप। तो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ रेफरेंस टू आइडेंटिफाई दीज साइट्स, तो उसके लिए यूजली ट्रिक ये है कि आप अपना एक खुद का ग्रिड वहां पे बना करके ले जाओ दैट यू कैन इजिली रिप्रोड्यूस, आपने प्रैक्टिस किया हुआ हो, आपको पता हो कि कौन से नुक से, कौन से क्रॉसिंग से, कौन सी लाइन स्टार्ट हो रही है, कहां पे जाकर के खत्म हो रही है। ट्राई टू कीप दीज लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एज लॉन्ग एज पॉसिबल, लेकिन आप चाहें तो कुछ और तरह की लाइंस भी यूज कर सकते हो, स्लांटिंग लाइंस भी यूज कर सकते हो। नाउ इफ यू आर हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर ग्रिड, तो उसको बनाने का तरीका यहां पर है। दिस पर्टिकुलर ग्रिड कंसिस्ट ऑफ 7 वर्टिकल लाइन्स एंड 5 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। आपको करना क्या है कि कुछ एंकर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके आपको याद रखना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जंक्शन पॉइंट है, दिस इज 1 एंकर पॉइंट। यहां से आपको यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, वहां तक एक लाइन खींच देनी है, दैट इज गोइंग टू बी 1 लाइन। सिमिलरली रन ऑफ कच्छ इज गोइंग टू बी अनदर रेफरेंस पॉइंट, यहां से आपको एक लाइन खींचनी है जस्ट बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राइट अप टू द एज ऑफ थाईलैंड, पूरा म्यांमार क्रॉस करके यहाँ पे मिल रहा है जो, ठीक है। सो आई थिंक कि आप लोगों को ये एक बार बना लेना चाहिए अपने नोटबुक्स में सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर।
तीन मैप होंगे ना आपके पास ब्लैंक वाले, हाँ तो उसमें एक में बना लो। हाँ पहले पॉइंट्स लगा लो। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट सेंटेंस लिखना मैंडेटरी है? नहीं नहीं बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट सेंटेंस लिखना। यू कैन राइट इन फ्रेजेस आल्सो, और सिंपली अगर कुछ वर्ड लिखना है फॉर एग्जांपल मे बी यू हैव टू गिव एविडेंस कि बताना है एग्जामिनर को कि यहाँ पे कोई ऐश माउंड मिला है, यू कैन सिंपली राइट ऐश माउंड फाउंड, राइट? सो इट इज नॉट नेसेसरी डिस्क्रिप्शन देना। अच्छा ये जो मैप्स मिले हैं आपको, इसमें कोई ऐसा मैप है जिसमें ग्रिड बनाया है, बाकी कुछ नहीं बनाया है? वो तो मैंने इसलिए मार्क किए हुए ना सो दैट आपके रिवाइज करने के लिए आसान हो। नहीं ग्रिड तो है वो आपकी रिवीजन एक्सरसाइज के लिए है। व्हाट आई वांट कि आप उसको घर जाओगे, उसको फोटोकॉपी करवाओगे एंड देन उसके बाद उसके नीचे जो साइड्स लिखी हुई हैं मैच करके आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाला वन साइड है, ये वाला टू साइड है, राइट? गेम खेलोगे अपने साथ। तो प्लीज रिमाइंड मी, वो एक खाली मैप दे दूंगा मैं आपको ग्रिड वाला, ठीक है? सो दैट बार बार क्लास में उसको बनाना ना पड़े, या फिर घर जाओ तो बना के लेके आओ। मैंने लिस्ट बनाई थी दो तीन तीन साल पहले, तो आई हैड आइडेंटिफाइड एज मेनी एज 37 डिफरेंट कैटेगरीज पिछले करीब 18 या 19 साल में, राइट? तो 37 कैटेगरीज मैंने आइडेंटिफाई करी थी, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जो कि इररेलेवेंट है या फिर उसमें बहुत कम साइट पाई हुई है, और दोस कैटेगरीज जो कि बाकी में मर्ज हो जाती हैं। तो रफली 25 या 26 कैटेगरीज जो हैं वो वहां से क्वेश्चन आता है। हाँ मोस्टली एंशियंट ही आता है, लेकिन मिडिवल से भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो पूछ लिया गया एन इम्पॉर्टेंट बैटल और एन इम्पॉर्टेंट फोर्ट, तो हो सकता है कि मिडिवल कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा हो। टोटल मिला जुला करके देखोगे तो कई सारी साइट्स का रिपीटेशन होता है अलग अलग पीरियड्स में, तो टोटल मिला करके देखोगे तो अराउंड 400-450। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। हाँ लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो भी ग्रिड आप ले रहे हो ना, हमेशा उसी से प्रैक्टिस करना है, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में जाके भी सेम ग्रिड ही रिप्रोड्यूस करना होगा। बना लिया? जल्दी जल्दी करिए, यहाँ पे तो यू कैन अफोर्ड टू बी अ लिटिल बिट इनएक्यूरेट, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते हो। आपके पास तो बना बनाया मैप भी है। आई वांट टू गेट टू द प्लॉटिंग नाउ, जल्दी जल्दी इसको प्लीज फिनिश करिए।
मैप नहीं बनाना पड़ेगा, वहां पे आपको मैप बना बनाया मिलेगा। बताया ना कि 20 साइट्स मेंशन होंगी, नंबर लिखा होगा उस पर, छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा, आपको वो साइट आइडेंटिफाई करनी है और एक लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा उसके लिए। पहले होता क्या था कि पहले आपको साइट का नाम दे देते दे थे, ब्लैंक मैप दे देते दे थे, और उस पर साइट को मार्क करना होता था, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता था। तो वो तो ज्यादा मुश्किल हुआ करता था ना कि बनाना भी है साइट को, कम से कम यहाँ पे तो केवल पहचानना है। यस, तो वही है, देर इज अ पैटर्न टू मेकिंग दिस ग्रिड। इफ यू आर हैप्पी विद दिस यू कैन कंटिन्यू विद इट, इफ यू आर नॉट आप कोई दूसरा ग्रिड भी बना सकते हो, साइट तो सेम रहनी है। ठीक है, वही आप चाहो तो कर सकते हो, बट दैट इज एंटायरली अप टू यू, क्योंकि मैंने नहीं कराया कभी, तो मैं तो अपने तरह से पढ़ाऊंगा ना। हो गया, चलो अब हमको आइडेंटिफाई करनी है एक एक करके अराउंड 30 पेलियोलिथिक साइट्स। पहला है सोहन वैली। ठीक है, सोहन वैली कहां पर लोकेटेड है? पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, सोहन वैली के नाम पे ही एक पेलियोलिथिक कल्चर का नाम पड़ा है, सुना आपने कभी? सोहन कल्चर, राइट? अब सोहन कल्चर इज कंसिडर्ड टू बी दी अर्लियर फेज ऑफ इंडियन पेलियोलिथिक, राइट? यहां के टूल्स जो हैं ज्यादा क्रूड कंसिडर किए जाते हैं एज कंपेयर टू दी लेटर पेलियोलिथिक और दी मद्रासियन कल्चर। तो इंडिया में दो डोमिनेंट पेलियोलिथिक कल्चर्स मिलते हैं, सोहन कल्चर और मद्रासियन कल्चर। मद्रासियन कल्चर ऑफ इंडिया में किस तरह के टूल्स होते हैं? एक्यूलियन टूल्स। रिमेंबर मैंने आपको टर्म बताया था एक्यूलियन टूल्स, तो दैट इज एसोसिएटेड विद मद्रासियन कल्चर। सोहन कल्चर के टूल्स क्या मद्रास एक्यूलियन टूल्स होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नंबर वन इन योर नोटबुक्स यू कैन राइट, नंबर वन सोहन वैली, और उसके नीचे लिखो लोकेशन। शिवालिक माउंटेन्स, नॉर्दर्न पंजाब, पाकिस्तान। इस्लामाबाद के आसपास है ये। ठीक है, दी रिवर सोहन जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस, दैट इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखो बिलोंग्स टू कौन सा एज? पेलियोलिथिक में भी कौन सा? लोअर पेलियोलिथिक एज। ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक एज। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द टाइप साइट, TYPE, टाइप साइट ऑफ द सोहन कल्चर, ऑफ द सोहन कल्चर। यहां पे आपको ग्रेन्स का एविडेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ह्यूमन बीइंग्स वर हंटर गैदरर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं इससे पता लगता है व्हाट वाज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, व्हाट वाज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहां पे देखो कौन कौन से एनिमल्स मिले हैं, तो लिखो लार्ज कलेक्शन ऑफ एनिमल बोन्स इंक्लूडिंग बफलो एंड हिप्पोपोटमस। हिप्पोपोटमस, तो बफलो हिप्पोपोटमस वगैरह कहां पे होता है? पानी वाले इलाके में या सूखे इलाके में? पानी वाले इलाके में, इंडिकेटिंग वार्म वेट कंडीशंस, वार्म
वेट कंडीशंस, बिल्कुल ना, दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, वाटर बफलो जो रहता है, जो भैंसा होता है, वो जो डोमेस्टिकेटेड भैंस है वो नहीं, जो वाटर बफलो होता है, राइट? तो दोस आर डिफरेंट, रिलेटेड है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है? इतना इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशियंट है, लेकिन अगर इसी में आपको कुछ इंफॉर्मेशन याद ना आ रही हो तो आगे क्या लिख सकते हो? पेलियोलिथिक कल्चर के बारे में कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको ये पता है कि लोअर पेलियोलिथिक पीरियड का है, राइट? तो क्या लिखोगे इसके बारे में? अरे टाइप्स ऑफ टूल्स बता सकते हो, कौन से टूल्स मिलेंगे? कोर फ्लेक ब्लेड में से कौन सा? कोर टूल्स। और स्पेसिफिक में भी जा सकते हो, जैसे कि हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स एटसेट्रा, जो हैवी टूल्स हैं ये मिल रहे हैं यहां से, ठीक है? बट दिस मच व्हाट यू हैव रिटन इज मोर देन सफिशिएंट। मार्क कर लिया आप लोगों ने इसको अपने ब्लैंक वाले पे, जहां पे ग्रिड बनाया है उस पर मार्क करो, आगे बढ़ो। अब पिन पॉइंट करने के समय आपको ग्रिड ऐसे हेल्प कर सकता है कि क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से रीजन में आ रहा है। ग्रिड इज एक्चुअली मोर यूजफुल फॉर मैप्स विच डू नॉट हैव एनी स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है? क्योंकि हमको पता नहीं है कि अगले साल यूपीएससी स्टेट बाउंड्रीज देगा मैप में या नहीं देगा, तो दैट इज वाई ग्रिड भी दे दिया गया है, ठीक है? अब ये पाकिस्तान में है इस वाले नॉच, सॉरी क्या हो गया इसको, नाराज हो गया। हाँ, तो ये जो पाकिस्तान का ये वाला नॉच दिख रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में, और कश्मीर में ये जो रजौरी वाला एरिया है उसके बीचों बीच यहाँ पर इस्लामाबाद यहाँ कहीं है, थोड़ा सा नीचे इस्लामाबाद का रिलेटिव अगर पोजीशन आपको पता है तो उसके जस्ट नॉर्थ में यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ? क्या चीज? इंडस के लेफ्ट पे, इंडस के लेफ्ट वाले पे पड़ेगा, लेफ्ट पे पड़ेगा, ठीक है? करंट रिवर्स भाई सोहन, इफ यू हैव दैट इंफॉर्मेशन यू कैन मेंशन इट, लेकिन लोकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे ना तो इट विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ योर डिस्क्रिप्शन। आपको बाकी फीचर्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए। सेकंड, पोटवार प्लेटो, मैप पे दिख रहा है रेड डॉट, कैन यू लोकेट इट रिलेशन टू सोहन वैली? तो ये साइट और इस साइट में आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगे या डिफरेंसेस मिलेंगे? सिमिलैरिटीज मिलेंगे, एक ही ऑलमोस्ट लोकेशन में है, क्वाइट सिमिलर, राइट? लोकेशन लिखो, नियर रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान। हाँ, ये है सोहन वैली और उसके थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में ये आपको मिल जाएगा पोटवार प्लेटू, ठीक है? आगे लिखो, नियर रावलपिंडी इन पंजाब पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, बिलोंग्स टू दी सोहन कल्चर, बिलोंग्स टू दी सोहन कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल एंड ह्यूमन बोन्स हैव बीन फाउंड हियर। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे एक यूनिक चीज मिली है, पायर ऑल्टर्स मिले हैं, ठीक है? पायर ऑल्टर्स हैव बीन फाउंड। फायर ऑल्टर्स मिले हैं, वो किस काम के लिए यूज होते थे वो नहीं पता है ना हमें। फायर ऑल्टर्स हरप्पन पीरियड वर यूज्ड फॉर सम रिचुअल पर्पस,
यहां क्यों यूज हो रहे हैं दैट वी डोंट नो, मे बी देवर सिंपली यूज फॉर कुकिंग ऑफ फूड बट वी आर नॉट एंटायरली श्योर. ठीक है, फायर ऑल्टर्स हैव बीन फाउंड. टूल्स किस तरह के मिलेंगे? वही जो पहले हमने देखे थे. ठीक है, ये हो गया पोटवार प्लेटो. इसी रीजन में एक और साइट है, दिस थर्ड वन दिख रहा है रेड डॉट, सांगाओ केव्स. सांगाओ केव्स लोकेशन पेशावर डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, केपी प्रोविंस, आप सीधे लिख सकते केपी पाकिस्तान. नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एक सोहन साइट है, सो सिंपली राइट द वर्ड्स सोहन साइट. हाँ, पूरा ग्रीडी सोहन कल्चर का हो गया. एग्जैक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, अब सोहन साइट्स यूजुअली लोअर पेलियोलिथिक से एसोसिएटेड होते हैं बट दिस वन मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक पीरियड में कंटिन्यू हुआ है. ठीक है, हाँ, तो राइट डाउन, इट इज अ मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक साइट. यूनिक चीजें क्या मिलती हैं यहां पर? यहां पे भी हर्थ या फायर ऑल्टर जैसा कोई चीज मिला है और यहां पे बोन टूल्स मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, बोन टूल्स एंड आफ्टर दैट राइट डाउन हर्थ्स, एच ई ए और हार्थ, एच ई ए आर टी एच, हार्थ फॉर कुकिंग फूड एटसेट्रा. ये सारी चीजें यहां से मिली हैं. ठीक है, अब एक तरह से जब आपको फिलर कंटेंट चाहिए और है नहीं आपके पास, तो कैसे आप बना सकते हो? यहाँ पे किस तरह के टूल्स मिले होंगे बताओ सांगाओ केव्स में? कोर फ्लेक ब्लेड क्या मिला होगा? फ्लेक और ब्लेड टूल्स मिले होंगे, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक का है ना. तो आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे ऐड कर सकते हो दैट द टूल्स फाउंड हियर वर मेड आउट ऑफ द फ्लेक्स विच वर सेपरेटेड फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड कोर. ठीक है, तो थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा एंड आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा. द फ्लेक्स पील्ड ऑफ, द फ्लेक्स पील्ड ऑफ फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड कोर, फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड कोर. ये तो यार आपको देखना पड़ेगा, आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट शायद यस, हाँ प्रोबेबली यस. हाँ, पील्ड फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड कोर, पील्ड ऑफ फ्रॉम द प्रिपेयर्ड कोर. प्लीज रिपीट फीचर्स ऑफ सोहन कल्चर. तो सोहन कल्चर के क्या क्या फीचर्स बताए थे? लोकेशन, लोअर पेलियोलिथिक एज. देखो सोहन कल्चर का मतलब ये हुआ कि इंडिया में दो अलग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पेलियोलिथिक कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक सोहन कल्चर, एक मद्रासियन कल्चर, ऑल्सो नोन एज दी एक्यूलियन टूल कल्चर. सोहन कल्चर के टूल जो है रिलेटिवली अर्लियर है एंड रिलेटिवली प्रिमिटिव टेक्निक से बनाए गए हैं. ठीक है, सो दैट इज दी वेरिएशन बिटवीन द टू. नेक्स्ट साइट, ये लाल डॉट जो है पहलगाम, दिस इज पहलगाम. लोकेशन, पहलगाम कहाँ है? अरे कश्मीर में तो दिख रहा है, कहां पर? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट.
अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। नाउ दिस अलोंग विद अनदर साइट दैट इज क्लोजली रिलेटेड और लोकेटेड क्लोज बाय, ये है, इनफैक्ट ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ऑलमोस्ट चिपके हुए हैं। दिस अदर साइट इज समाथान, राइट, ये भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही है। इनके अलावा वी डोंट गेट एनी अदर पेलियोलिथिक साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड द नंबर ऑफ टूल्स दैट वी फाइंड दैट इज ऑल्सो क्वाइट लो। वाई डू यू थिंक ऐसा क्यों होता होगा? पेलियोलिथिक पीरियड कॉरेस्पॉन्डेड टू विच क्लाइमेटिक साइकिल? प्लीस्टोसीन, राइट, दैट इज द ग्रेट आइस एज। यहाँ का क्लाइमेट वैसे इतना ठंडा है, आइस एज के जमाने में तो और भी ठंडा होता होगा। दैट इज वाई पेलियोलिथिक पीरियड में यहाँ पे एक तो केवल अपर पेलियोलिथिक में ऑक्यूपेशन देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट टू वेरी लिमिटेड। तो फाइंडिंग्स ऑफ पेलियोलिथिक साइट्स एज वेल एज पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स इन द कश्मीर रीजन आर क्वाइट रेयर, ठीक है, बहुत अबंडेंटली नहीं मिलते हैं। ओके, तो राइट डाउन कश्मीर पेलियोलिथिक्स, कश्मीर पेलियोलिथिक्स आर क्वाइट रेयर ड्यू टू the prohibitive climate, due to the prohibitive climate, then इसमें आप कुछ generic points add कर सकते हो। आगे लिखो, पहलगाम belongs to the upper paleolithic age, belongs to the upper paleolithic age, और क्या जेनरिक पॉइंट्स यूज कर सकते हो, लिख सकते हो? लिखने के तो वो लिख सकते हो, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है ना। लिखो, द टूल कल्चर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ हैंड एक्सेस and flakes, ठीक है, that should be sufficient. समाधान में भी आप ऑलमोस्ट सेम चीजें लिख सकते हो, वहां पे एक हैंड एक्स एक्स्ट्रा मिला हुआ है, बाईफेस हैंड एक्स है, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट समाधान, लेकिन बहुत सिमिलर साइड से दोनों। यू कैन राइट वन और बोथ इफ यू वॉन्ट, अरे आप कोई भी, पहलगाम ज्यादा फेमस है तो आप पहलगाम लिख दो, ये मेंशन कर दो समाथान इज लोकेटेड क्लोज बाय, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिदवाना, लोकेशन नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, किस पीरियड में रेलेवेंट था साइट? लोअर एंड मिडिल पेलियोलिथिक, ठीक है, फिलर इंफॉर्मेशन अपने आप से डाल सकते हो कि फर्दर स्पेसिफिकेशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर लोअर पेलियोलिथिक का साइट है तो हेवी टूल्स मिल रहे हैं सच एज
हैंड एक्सेस चॉपर्स। मिडिल पेलियोलिथिक का है तो फ्लेक टूल्स मिल रहे हैं विच आर लाइटर इन देयर कंस्ट्रक्शन। देन वी हैव लूनी वैली, दिस साइट इज ऑल्सो नोन एज बूढ़ा पुष्कर लेक। लूनी वैली और दी बूढ़ा पुष्कर लेक कहां पर? पुष्कर लेक कहां है? अजमेर। लोकेशन अजमेर राजस्थान। बताओ दिद्वाना अगर लोअर मिडिल पेलियोलिथिक का है तो चांसेस आर दैट दिस इज कौन से पीरियड का? सेम पीरियड का, लोअर एंड मिडिल पेलियोलिथिक। सो राइट डाउन लोअर एंड मिडिल पेलियोलिथिक एज। इधर से मूव होते हुए आ रहे हैं, हो जरूर सकता है लेकिन एविडेंस नहीं मिला। मे बी दैट प्रोसेस डिड टेक प्लेस, वी आर नॉट एंटायरली श्योर, लेकिन हमको यहां से एविडेंस ये हमको बड़ा क्लियरली देखने के लिए मिलता है वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक एज में, ईस्टवर्ड माइग्रेशन। मे बी वी डू नॉट नो फॉर श्योर, राइट? तो क्या से नहीं लगा सकते हैं, व्हाट वी नो डेफिनेटली ओनली दैट वी कैन राइट अपॉन, राइट अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लार्ज कलेक्शन ऑफ, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ एनिमल and human bones have been found next point fossil remains including pollen remains indicate that the prevailing climate, थार डेजर्ट में कैसा क्लाइमेट होता है? सूखा गर्म उस समय लेकिन अलग था, used to be warm and humid। ठीक है, इसका मतलब कोई मेजर क्लाइमेटिक चेंज आया है उस पीरियड के बाद से। नेक्स्ट भीमबेटका, भीमबेटका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट साउथ में है। ठीक है, कुछ लिखवाने की जरूरत है इसके बारे में? सेवेंथ साइड ना, सेवेंथ साइड। बताओ कहां पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। व्हाट इज इट फेमस फॉर? केव्स, रॉक शेल्टर्स, नेचुरल पेंटिंग, रॉक पेंटिंग गैलरी है यहाँ पर। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो इसका फ्लोर है इट अपीयर्स कि उसको स्टोन्स को लगा करके अरेंज किया गया, फ्लैटन किया गया है, राइट? तो प्रिपेयर्ड फ्लोर है इसका। दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, कई सारी इसकी ज्यादातर पेंटिंग्स मेसोलिथिक की हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट, ये सारी साइट्स आप अपने आप से लिख सकते हो। नेक्स्ट आदमगढ़, यहां पे लोकेशन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश।
दिस साइट इज ऑल्सो सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट्स टू भीमबेटका, राइट। यहाँ पे भी मिलते हैं आपको नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, यू कैन राइट नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट पेलियोलिथिक मेसोलिथिक, क्या नहीं, नॉट नेसेसरली केव्स का ही है क्योंकि नहीं, एक और साइट है यहाँ पे बताओ। हाँ क्या लिखा है था मैंने, नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड, पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में यहां पे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है, एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन इन द मेसोलिथिक एज। व्हाट एल्स, यू ऑल्सो फाइंड पॉटरी इन द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के लिए दीज आर यूनिक थिंग्स ना, पॉटरी इन द मेसोलिथिक एज। देन इन दोनों साइट्स के ही पास एक साइट लोकेटेड है जस्ट टू द साउथ ऑफ भीमबेटका एंड टू द वेस्ट ऑफ आदमगढ़। यहां पर दिस इज हथनौरा, ठीक है। अब हथनौरा का सिग्निफिकेंस क्या है, हाँ तो यहां पे फॉसिलाइज्ड ह्यूमन बोन्स, और इनफैक्ट यू कैन राइट फॉसिलाइज्ड होमिनिड बोन्स, हैव बीन डिस्कवर्ड। तो जो होमो सेपियंस के पहले वाले जो एंसेस्टर्स थे ना, उन सबको हम बोल देते हैं होमिनिड्स, वो चाहे कोई भी स्पीशीज या सब स्पीशीज के रहा हूं, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड हॉमिनिड्स। इंडिकेटिंग द अर्ली एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। ये हो गया आपका हथनौरा भी, दिस इज ऑल्सो इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ओनली। नेक्स्ट बाघोर नंबर 9, ये यहां पे साइट है, लोकेशन सिद्धि डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। SIDH सिद्धि डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। बाघोर व्हाट इज इट मोर फेमस एज, पेलियोलिथिक साइट और मेसोलिथिक साइट? मेसोलिथिक साइट, राइट। तो लिखो कि बोथ पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एविडेंस इज फाउंड। नेक्स्ट पॉइंट मेसोलिथिक टूल्स इंक्लूड जियोमेट्रिक माइक्रोलिथ्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ हैंड एक्सेस एंड ब्लेड टूल्स
यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुआ है दैट मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है. नेक्स्ट राइट, मदर गॉडेस स्टैचू बिलोंगिंग टू मीजोलिथिक पीरियड. एंड अनदर आर्टिफैक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड विच इंडिकेट्स द इमर्जिंग रिलीजियस कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल. तो क्या मिला है यहाँ पे, एक स्टोन ऑल्टर मिला है विद विच हैज कंसेंट्रिक ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड ऑन इट. ठीक है, राइट डाउन. एडिशनली स्टोन ऑल्टर विद कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड ऑन इट इन द मिडिल ऑफ अ सर्क्यूलर प्लेटफॉर्म, इन द मिडिल ऑफ अ सर्क्यूलर प्लेटफॉर्म. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग मतलब नहीं, स्टोन ऑल्टर नहीं, तो मतलब इट बोथ दीज डिस्कवरीज, मदर गॉडेस एज वेल एज स्टोन ऑल्टर, दे बोथ रिप्रेजेंटेड द इमर्जिंग रिलीजियस कॉन्शियसनेस ऑफ द मेसोलिथिक पीपल. फिर यहाँ पे वी ऑल्सो हैव एविडेंस ऑफ सम काइंड ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर्स, तो पोस्ट होल्स एटसेट्रा हमको यहाँ से मिल जाते हैं, दैट इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो ये देख रहे हो कि although paleolithic context बहुत limited है, but still you can write a good description about this site, even though mesolithic के period में ज़्यादा relevant रहा हो. Next, Kalpi, यहाँ पे located है. Kalpi, location Jalaun district, JALAUN, Jalaun district, UP. ठीक है, अच्छा, व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस साइट, बाकी जितनी आपको साइट्स दिख रही हैं, या तो आपको यहां पे दिख रही हैं, या फिर अरावली के वेस्ट में दिख रही हैं, या फिर विंध्यास के साउथ में दिख रही हैं. ये वाला रीजन कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, यहां पे इसके अलावा और कोई साइट दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है. So it is the oldest site of the oldest Paleolithic site of the Indo-Gangetic Plains. Or in fact, you can write it is considered to be the oldest human settlement in the Gangetic Plains. Oldest human settlement in the Gangetic Plains. ठीक है, तो Gangetic Plains में do you get a large number of stones to make tools? नहीं, तो stone tools मिले हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिले हैं, but they have been supplemented with bone tools. ठीक है, so write down next points. Large number of bone tools have been found. क्या वो हाँ लेटर पेलियोलिथिक पीरियड में, अभी भी वैसे जो अपर सॉरी इंडोगैंजेटिक प्लेन्स की जो रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी मच्योर रिवर्स, दे आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी यंग रिवर्स. एंड जो बोल्डर्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं ना, दैट हैपेंस एज सून एज दीज रिवर्स एंटर द प्लेन्स. जो तराई रीजन होता है वहीं पे सारे के सारे बोल्डर्स को डिपॉजिट कर देती हैं ये, एंड दस दे ग्रो अंडरग्राउंड, फिर उसके बाद स्ट्रीम्स के तरह से बाहर निकलती हैं, राइट, अलूवियल फैंस वगैरह आपने पढ़ा होगा शायद ज्योग्राफी में, तो वो सब बनते हैं. बट ये उसके काफी नीचे है, काफी साउथ में आकर के है, तो यहाँ पे बोल्डर्स वगैरह मिलने का कोई ऐसा स्कोप नहीं बनता है, राइट, क्योंकि यहां से मान लो रिवर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हिल्स खत्म, राइट, तराई रीजन, जितने भी बड़े बोल्डर्स हैं यहीं पे डंप कर देगा, फिर उसके बाद पाइनर सिल्ट एंड क्ले लेते हुए आगे
बढ़ दी जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसे कोई बड़े बोल्डर्स मिलने का चांस नहीं है। हाँ ट्राई फोल्ड्स का रीजन नहीं, ये मालवा प्लेटू वाला रीजन आ रहा है ना। हाँ इट यस यू आर राइट, ट्राई फोल्ड्स वाला रीजन रीजन है यहाँ पर। हाँ तो नॉर्दर्न फ्रिंजेस ऑफ द विंध्याज में ही ये भी एक पोर्शन आ जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन इसके अलग हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, ज्योग्राफी का मुझे उतना ज्यादा ज्ञान है नहीं, आप लोगों को ज्यादा होगा। एनीवे कल्पी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिख लो। तो हिस्टोरिकली एक तो इट इज एसोसिएटेड विद द पैलियोलिथिक पीरियड, बट इट इज ऑल्सो रिलेवेंट फॉर लेटर स्टेजेस सच एज यहाँ पे दिस इज ऑल्सो PGW साइट, पेंटेड ग्रेवेयर साइट, राइट डाउन ऑल्सो अ PGW साइट। नेक्स्ट PGW मतलब कैलकुलिथिक हो गया, कैलकुलिथिक या फिर वैदिक कॉन्टेक्स्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, राइट क्या अपर, हाँ अपर पैलियोलिथिक। नेक्स्ट राइट डाउन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टेराकोटा स्कल्पचर्स। तो टेराकोटा स्कल्पचर्स भी यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द मैपिंग सेक्शन, राइट। 10 साइट्स डिस्कस कर लिए हैं हमने, 20 साइट्स आर रिमेनिंग पैलियोलिथिक में, दैट वी आर गोइंग टू डू इन आर नेक्स्ट लेक्चर। आज का टाइम खत्म हो गया है, आई हैड एक्सपेक्टेड कि आज इसको हम खत्म कर लेंगे, लेकिन पहले बार डिस्क्रिप्शन ऐसे डिस्क्रिप्शन दे दें, कर लोगे आप लोग? ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इनफैक्ट एक बार मैंने आपको समझा दिया है ऐसा मैप इस तरह से बनता है। डू यू नीड स्पेसिफिक मैपिंग का क्लासेस इस तरह से प्लॉटिंग करने वाला, या फिर मैं आपको प्रिपेयर्ड मैप दे सकता हूँ? क्लासेस कभी कभी, तो नहीं तो क्या चाहिए आप लोगों को, मतलब उसमें चाहिए क्या? डू यू वॉन्ट टू सिट एंड राइट डिस्क्रिप्शन, या डिस्क्रिप्शन खुद से लिखना है, और डू यू वॉन्ट टू प्लॉट ऑन द मैप, या फिर प्लॉटिंग भी खुद ही करनी है? हाँ प्लॉटिंग क्लास में करनी है इस तरह से, प्लॉटिंग हाँ पिन पॉइंट करना है। चलो ठीक है, नहीं व्हाट आई वांट यू टू डू इज एक बार घर जाओ, और शाम तक आपको मैं कम से कम टेलीग्राम ग्रुप पर वो भेज दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा। गो रीड ऑल दोज थिंग्स एंड मैप पे प्लॉट करके देखो कि आप ठीक से रिवाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका फायदा भी उतना ही होता है अगर आप क्लास में बैठ करके प्लॉटिंग कर रहे हो। इफ यू थिंक दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन दिस सेक्शन विदाउट प्लॉटिंग, तो फिर तो कोई बात नहीं है, मैं आपको प्रिपेयर्ड मैप्स दे सकता हूँ इस तरह के, जैसे आपके पास मैप्स आए हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज के बना बना करके, साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। बट इफ यू वॉन्ट कि क्लास में प्लॉटिंग होनी चाहिए, तो मंडे को आकर के आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, जो हमने आज नियोलिथिक वाला पोर्शन खत्म किया है उसमें कोई रिलेटेड डाउट्स तो नहीं है? समझ में आया है सब कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, और शैल आई एंड द क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम, कैसे सब? गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ऑल राइट नाइस। नाउ द नेक्स्ट साइट पैलियोलिथिक साइट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज चोपानी मांडो, राइट। दिस रेड डॉट यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज चोपानी मांडो, राइट। तो मार्क कर लीजिए अपने ब्लैंक वाले मैप के ऊपर, एंड देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग डाउन सम पॉइंट्स, राइट। नंबर वन, वेयर इज इट लोकेटेड? अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। सेकेंड इंफॉर्मेशन विच मेक्स दिस साइट वेरी यूनिक इज दैट फ्रॉम हियर ना
यू गेट एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज ऑल्सो, मीजोलिथिक ऑल्सो एंड नियोलिथिक एज ऑल्सो. ठीक है, तो लिखो ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, सॉरी मीजोलिथिक एज वेल एज नियोलिथिक. हाँ, नहीं नहीं, ऑक्यूपेशन किस टाइप की, नहीं, द साइट वॉज ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग दीज पीरियड्स. ठीक है, दैट इज व्हाट मींस ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एज वेल एज नियोलिथिक एज. नेक्स्ट यू कैन राइट नाउ सम इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू द पेलियोलिथिक एज दैट वी शुड टेक डाउन. तो गिव द सब हेडिंग पेलियोलिथिक एज. स्टोन टूल्स मेड फ्रॉम, हाँ पेलियोलिथिक में स्टोन टूल्स मेड फ्रॉम विच काइंड ऑफ स्टोन, चर्ट. ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ स्टोन. पेलियोलिथिक एज में व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन टूल टेक्नोलॉजीज, कोर, फ्लेक एंड ब्लेड टूल्स, ऑल दीज. सेकेंड सब पॉइंट अंडर पेलियोलिथिक एज, एनिमल बोन्स इंक्लूडिंग, अच्छा पेलियोलिथिक एज में हैड पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और नॉट, नो, आर यू गोइंग टू गेट डोमेस्टिकेटेड वैरायटी बोन्स और वाइल्ड बोन्स, वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स. एनिमल बोन्स इंक्लूडेड वाइल्ड कैटल, शीप एंड गोट्स, शीप एंड गोट्स, राइट. तो इफ ह्यूमन बींग्स वर किलिंग सच काइंड्स ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड शीप, वाइल्ड गोट, वाइल्ड कैटल, वॉट डज दैट इंडिकेट एज कंपेयर टू लेट अस से सम वूली मैमल और मे बी सम अदर फास्ट मूविंग एंटलोप, डियर, मूज एक्सेट्रा. तो क्या पता लगता है आपको, वर दे ट्रांजिशनिंग टू समथिंग, क्या दे वर ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स डोमेस्टिकेशन, राइट डाउन. दिस इंडिकेट्स the early transition towards domestication of animals. Right? The Paleolithic context mein, this is the important information. Mesolithic context ka important specific information also you can write down. Write down number one. Mesolithic age. नहीं, दिस वन इज ओनली अबाउट पेलियोलिथिक, बट इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट पेलियोलिथिक देन यू कैन ऑल्सो मेंशन सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मीजोलिथिक ऑल्सो. इफ यू आर एबल टू रिमेंबर देन वेल एंड गुड, यू नो नीड टू मेंशन ऑल द स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ मीजोलिथिक सेपरेटली, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर देन यू शुड मेंशन मीजोलिथिक का भी कुछ कुछ चीजें. हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर मेंशन करनी है इन बोथ केसेस, वेदर यू रिमेंबर और नॉट, दैट from here you get evidence of occupation during all three ages of the stone age, paleolithic, mesolithic and neolithic. Haan, bilkul, this is a very important site. But when you speak about Chobani Mandu na, mostly it is spoken of in the mesolithic context, right, not in the paleolithic. So more important significance mesolithic context milta. Write down some specific information. टूल्स मीजोलिथिक पीरियड में किस तरह के मिलेंगे, माइक्रोलिथ्स, सो राइट डाउन बोथ ज्योमेट्रिकल एंड नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स वर फाउंड. राइट नाउ देन राइट नेक्स्ट वन, एविडेंस ऑफ वाइल्ड राइस is found. What does this indicate? Human beings had started to make the transition towards practice of agriculture. ठीक है? Further reinforcing this idea is the discovery of handmade pottery from this site in the Mesolithic period. So write down third sub point. Handmade pottery has been discovered. कैपिटल बना देना चाहिए था. या हैंडमेड पॉटरी हैज बीन डिस्कवर्ड, राइट.
तो चोपानी मांडो, दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. न्यूलिथिक एज में यू कैन राइट सम, हाँ, पोस्टमार्टम म्यूटिलेशन ऑफ डेड बॉडीज भी चोपानी मांडो से दिखता है इन द मेसोलिथिक पीरियड. सो दैट इज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ यू वॉन्ट टू मेंशन यू कैन. पोस्टमार्टम म्यूटिलेशन ऑफ बॉडीज. न्यूलिथिक पीरियड का आप बोल सकते हो क्या क्या देखने के लिए मिलेगा. यू गेट प्रॉपर राइस कल्टिवेशन, डोमेस्टिकेटेड वैरायटी ऑफ राइस. राइस कल्टिवेशन बिगैन, ठीक है. देयर इज अनदर साइट लोकेटेड नियर बाय विच इज इवन मोर फेमस फॉर राइस कल्टिवेशन. अर्लीस्ट साइट विच गिव्स एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन इन द सबकॉन्टिनेंट, Koldiwa, right? So that is also located close by. So you can mention within brackets, Koldiwa is also located close by. Next, right? Next point. Neolithic period. Koldiwa is significant for the Neolithic age. Okay. Next point, right? Bones of domesticated animals such as cattle, sheep and goat have been found. Paleolithic and Mesolithic mein kya mil raha tha? Wild animals ke bones mil rahe the. Ab kya ho raha hai? Domesticated animals ke bones mil rahe hain. Theek hai? So very clearly from a site such as the Chopani Mando, you can see the progression of the human condition. From the hunter-gatherer stage to the agricultural stage. Clear? Next site, kya hai? Lekahia. This is also located close to Chopani Mando only. Lekahia. Exact location hai Mirzapur district, UP. Mirzapur, UP. Now, this place was an ideal place for hunter-gatherers. Why? Because it is located in the fringes of the Kaimur Hills, where naturally a number of hovels and caves have been found. So, people would prefer to live here because of the occurrence of natural cave shelters. Write down. An ideal site for hunter-gatherers. As there are a large number of naturally formed caves in the fringes of the Kaimur Hills. Kaimur Hills are the northward extension of the Vindhyas, theek hai? Of the Kaimur Hills. Next, right? Achha, what will you find in these rock shelters? Paintings. So write down. A large number of prehistoric paintings are found. Showing what kinds of scenes? Showing hunting scenes as well as community feasts. Kya samajh mein aa raha hai? This must have been during the later period. So write down. This indicates the transition of humans from the Paleolithic to Mesolithic age. From the Paleolithic to Mesolithic age.
एंड दिस आइडिया ऑफ ट्रांजिशन इज फर्दर सीमेंटेड बाय द डिस्कवरी ऑफ व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स, बेरियल ऑफ द डेड बॉडीज इन अ रिचुअल फॉर्मेट एज वेल एज द डिस्कवरी ऑफ पॉटरी फ्रॉम दीज साइट्स. ठीक है, तो यहां पे पॉटरी भी मिला है एंड रिचुअलिस्टिक बेरियल ऑफ डेड भी मिला है. Pottery and ritualistic burials have also been found. Right? Now, ये हो गया important information about Lekahiya. Next. लोकेशन पिन पॉइंट कर दें, इंफॉर्मेशन हैंडआउट में दे दें. समझाना नहीं है? अच्छा ठीक है, तो अगली क्लास से ऐसा कर देंगे. बट क्योंकि अब ये प्रिपेयर हो गया है तो मैं मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ अपनी. ठीक है, तो अगली क्लास से कर देंगे वैसे. ठीक है, जिसने समझाना होगा या फिर आप लोग जो लेके आओगे वो मैं क्लास में. ठीक है ठीक है. Yeah, we can do that. Yeah, you're right. यहाँ पे ज़्यादा time लग जा रहा है इसका. Boring है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. Next site Bori है. ठीक है, not boring. Next site is Bori. कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में. This is located in the Pune district, near the city of Mumbai. What is its significance? On the basis of recent excavations, some archaeologists have claimed that this is possibly the oldest Paleolithic site to exist in India. Write down, possibly the oldest Paleolithic site in India. Okay? Then you can add some generic information about Paleolithic sites. टूल्स के बारे में बात कर सकते हो, देन यू कैन टॉक अबाउट पेंटिंग्स एक्सेट्रा इफ एप्लीकेबल. ठीक, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट साइट है पटने. ये कहां पर है? दिस इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर. कोल्हापुर महाराष्ट्र. हाँ, नाम नहीं सुना? यू आर फ्रॉम कोल्हापुर ओनली? अच्छा, एनीवे, तो कोल्हापुर महाराष्ट्र. व्हाट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हैज बीन मेड फ्रॉम हियर पटने से? हाँ, ऑस्ट्रिच के एग शेल के ऊपर सम डिजाइन्स हैव बीन एच्ड. तो राइट डाउन, ऑस्ट्रिच एग शेल with markings, ostrich eggshell with markings has been discovered. Right? And this site Patne would have belonged to which period? लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक. अगर पेंटिंग्स वगैरह मिल रहे हैं तो अपर पेलियोलिथिक, राइट? सो इट बिलोंग्स टू द अपर पेलियोलिथिक, राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट पटने. नेक्स्ट, नेवासा. ये कहां पर है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट. आई थिंक दिस डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रीनेम्ड नाउ, कुछ नया नाम बन गया. अच्छा, छत्रपति संभाजी महाराज डिस्ट्रिक्ट रख दिया. ऑलराइट, सो यू कैन यूज इधर द ओल्ड नेम और द न्यू नेम. कौन सा साइट है ये? नेवासा ना. दिस इज नॉट इन औरंगाबाद, ये अहमदनगर में है. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. नेवासा जो है, इट इज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट.
नहीं अहमदनगर में है, नहीं नहीं नॉट छत्रपति संभाजी नगर, दिस इज अहमदनगर। हेलो रोज लेट, अच्छा ओके ओके नहीं ठीक है बैठो बैठो। हाँ तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साइट, देखो निवासा इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग टू पीरियड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एक पेलियोलिथिक में और दूसरा कैल्कोलिथिक में, ठीक है तो राइट डाउन इट इज अ पेलियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक साइट। बट डू वी फाइंड एनी डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेसोलिथिक और नियोलिथिक लेयर्स, नहीं राइट, सो व्हाट डज दैट इंडिकेट, हाँ दैट दिस साइट हैड प्रोबेबली बीन अबैंडन्ड आफ्टर द पेलियोलिथिक एज बट वॉज रीऑक्यूपाइड लेटर ऑन बाई कैल्कोलिथिक पीपल, ठीक है तो जब भी एक गैप मिलता है ना तो इसका मतलब क्या है दैट दिस साइट हैज बीन अबैंडन्ड फॉर सम रीजन और द अदर। यहां से कौन सी, आई एम नॉट श्योर, गोदावरी तो वहां से होती है ना, हाँ त्रिम्बकेश्वर क्या है गोदावरी होता है सेम, मे बी दैट मे बी द केस वी डोंट नो फॉर श्योर व्हाट एग्जैक्टली वर द रीजंस, बट हमें ये पता है दैट ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक पीरियड सॉरी नियोलिथिक पीरियड्स नोबडी वाज लिविंग ओवर हियर, ठीक है फैक्टर्स मे बी डिफरेंट। अच्छा हाँ नेक्स्ट लिखो इट इज अ फैक्ट्री साइट, इट इज अ फैक्ट्री साइट, फैक्ट्री फॉर व्हाट, मेकिंग टूल्स, फैक्ट्री फॉर मेकिंग टूल्स, हाउ डू वी नो, लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हैज बीन फाउंड एंड अ नंबर ऑफ द सेमी प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड पीसेस हैव बीन फाउंड ऑल्सो। देन स्टोन टूल्स को बनाते कैसे थे पैलियोलिथिक पीरियड में, बाय बैशिंग वन टूल वन स्टोन अगेंस्ट द अदर ना, so some of them broke and thus they were discarded also, so that is why this is quite good well preserved factory site, clear, so this is the significance of Nevasa. Next Hunsgi or Hunsagi, theek hai yes Karnataka mein, this is in the Yadgir district of Karnataka, YADGIR यादगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, राइट व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, अ लार्ज नंबर ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट इट वाज अ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है so people used to make tools here also and they used to live over here as well, it was a habitation cum factory site, habitation cum factory site, now we also see the transition of life from the paleolithic to the mesolithic phase over here, right, for example we have evidence that people living in this region during the paleolithic period may have started living in thatched roofs, right, so transition from paleolithic to mesolithic is visible, transition from paleolithic to mesolithic is visible, ye ho gaya Hunsgi, next is बेतम चारला, वेयर इज इट लोकेटेड, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, इट इज एन अपर पेलियोलिथिक साइट, an upper paleolithic site,
unique about this place is that apart from stone tools, a large number of bone tools have also been found. Bone tools, large number of bone tools have also been found. And painted rocks have also been discovered over here. They are known as the Kithavaram painted rocks. Kithavaram. Kithavaram painted rocks. Kithavaram painted rocks. ठीक है, तो दिस इज बेतम चरला. नेक्स्ट रेणिगुंटा, दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश ओनली, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट. Now this site is also an upper Paleolithic site. Upper Paleolithic site. ठीक है. अच्छा, बेतम चरला के लिए ना you can also add another piece of information. It is located very close to the Belum Caves. Belum Caves. Belum Caves भी another Paleolithic site है वहीं पे. Belum. Belum. Belum Caves. Belum Caves located nearby. हाँ, so we were talking about ये रेणिगुंटा चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, अपर पेलियोलिथिक साइट है. नेक्स्ट राइट, लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मेड फ्रॉम क्वार्ट्जाइट एंड शर्ट, CHERT, हैव बीन फाउंड. शर्ट, CHERT, सी, हाँ, टूल स्टोन होता है, चर्ट या शर्ट, कमीज से कैसे बना लेंगे टूल, राइट? इतना तो कॉमन सेंस लगाना होगा. शर्ट हैव बीन फाउंड. हाँ, एक तरह का रॉक होता है जैसे क्वार्ट्जाइट होता है, चर्ट भी. नेक्स्ट लिखो, अर्ली एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, अर्ली एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन ऑल्सो फाउंड. एनिमल डोमेस्टिकेशन ऑल्सो फाउंड. ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रेणिगुंटा. नेक्स्ट अतिरपक्कम, अतिरपक्कम, दिस इज लोकेटेड इन द चेन्नई डिस्ट्रिक्ट ओनली, चेन्नई तमिलनाडु. व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, दैट सी ओवर हियर ना द साइट वाज ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द पेलियोलिथिक एज ड्यूरिंग द लोअर मिडिल एज वेल एज अपर पेलियोलिथिक. अच्छा, लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक, राइट, ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स इन साउथ एशिया एज अ होल. एंड बाकी सारी साइट्स आपको क्या मिलती हैं, केव्स, रॉक शेल्टर्स मिलती है ना. दिस वन इज एन ओपन एयर साइट, राइट, तो राइट डाउन, considered to be one of the oldest in South Asia, it is an open air site. Open air site, right? Now, what else do you find from here? Collection of a large number of bones of animals that have been butchered and the tools that were used to butcher those animals as well. Okay? So write down,
large number of butchered bones and chopping tools have been discovered. Right. Now, in the upper Paleolithic context, jitne bhi tools mile hai na, there appears to be a great degree of standardization. What does that indicate? That all the tools made of the same material, using the same technique, resulting in the same kind of tool. What does that indicate? That, no, not only expertise, but that these people had the ability to work together. So that is the idea over here, right? So it shows improving coordination among human beings. Write down. The remarkable standardization of upper Paleolithic tools indicates better cooperation. ठीक है, so that is the idea. कौन सा साइट है ये? अतिरपक्कम. Next site, Pallavaram. This is also in Tamil Nadu only. Over here, Pallavaram. It is located in the Kanchipuram district. What is its significance? बताया था पहले कभी? अरे हैंड एक्स मिला है यहाँ सबको. बताया था ना? So it is the oldest archaeological site in India. Robert Bruce Foote ने इसको excavate किया था. It is the oldest archaeological site in India. Now, Paleolithic tools, you remember I told you, दो टाइप्स के होते थे. एक तो सोहन कल्चर टाइप, एक मद्रास कल्चर टाइप. Now, सोहन कल्चर का टाइप साइट कौन सा है? सोहन वैली. मद्रास कल्चर का टाइप साइट पल्लवरम. ठीक है, राइट डाउन. इट इज द टाइप साइट ऑफ द मद्रास कल्चर. इट इज द टाइप साइट ऑफ द मद्रास कल्चर. मीनिंग ऑफ केतावरम, कुछ नहीं, मीनिंग नहीं है, नेम ऑफ द प्लेस राइट वेयर दीज रॉक्स हैव बीन फाउंड, दैट इज व्हाई. नाउ वन एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन राइट अबाउट मद्रास कल्चर, लिखो. द टूल्स ऑफ द मद्रास कल्चर आर रिलेटिवली मोर सोफिस्टिकेटेड as compared to those of the Sohan culture. Thus, they are generally than the tools of the Sohan culture. Thus, they are generally associated with which of the Paleolithic ages? Lower, middle or upper? Middle and upper, ठीक है? With the later Paleolithic. Thus, they are generally associated with the later Paleolithic. Now, tools of the Madras culture are made using a particular technique. I think I told you about that also. Kya bolte the usko? Levallois technique, right? French word है, it is pronounced Levallois technique. हाँ, another name for Madras culture tools, they are also known as Acheulean tools. Right, named after the region of Saint-Acheul, which is a suburb of Paris.
वहां पे इसी टेक्निक से बनाए हुए टूल्स मिलते थे, देयरफॉर ऑल द टूल्स मेड विद द सेम टेक्निक लेवालुए टेक्निक आर कॉल्ड एक्यूलियन टूल्स. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एक्यूलियन टूल्स बिलोंग टू विच कल्चर, सोअन कल्चर और मद्रास कल्चर? मद्रास कल्चर, नॉट द सोअन कल्चर. ये हो गया पल्लवरम. नेक्स्ट तेरी साइट्स. तेरी साइट्स लोकेशन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु. तिरुनेलवेली, इट वॉज अर्लियर कॉल्ड तिरुनेलवेली. तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु. एंड द नेम, तेरी साइट आ रहा है, तेरी साइट्स आ रहा है, साइट्स आ रहा है. सो इट इज नॉट वन साइट, इनफैक्ट इट इज अ कलेक्शन ऑफ 11 डिफरेंट साइट्स लोकेटेड एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर. राइट डाउन 11 साइट्स, 11 साइट्स विद माइक्रोलिथिक कल्चर्स, विद माइक्रोलिथिक कल्चर्स. राइट, सम ऑफ देम ऑल्सो हैव एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द अपर पेलियोलिथिक एज, ड्यूरिंग द अपर पेलियोलिथिक एज. ऑक्यूपेशन इन द अपर पेलियोलिथिक एज. Some of these sites also give evidence of occupation in the upper Paleolithic age. Achha. Next site, next point, write down. Tools at this site show similarity to the stone tools found in Sri Lanka. Theek hai? So, stone industry of this region and Sri Lanka were quite similar to each other. What does this indicate? That these people must have had some kind of contact. It is quite possible. Right? Ye ho gaya teri sites. Next is Odai. This one. Odai. Location, Villupuram district, Tamil Nadu. VILLUPURAM. Villupuram. What is the significance of this site? It is a hominid site. It is a hominid site. Kya hote hain hominid sites? Where skeletal remains of some primitive species of human being have been found. So, the primitive species of human being kab raha hoga? अपर पेलियोलिथिक एज में तो मॉडर्न मैन आ गया है, तो इट वुड ईदर बिलोंग टू द लोअर और द अपर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक. राइट, तो ये मिला है, इसको डेट किया है रेडियो कार्बन डेटिंग. इट हैज बीन डेटेड टू रफली 1.67 लाख ईयर्स अगो. इट इज अ हॉमिनिड साइट, स्केलेटल रिमेन्स हैव बीन फाउंड ऑफ प्रिमिटिव स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रिमिटिव स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग. इनफैक्ट एक इन्फेंट गर्ल का स्कल मिला हुआ है. एंड हाँ 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 वो यहीं पर. एंड डेट है 1.67 लाख ईयर्स ओल्ड. हाँ हाँ, ये साइट में जो फॉसिल मिला है दैट इज डेटेड टू रफली 1.67 लाख ईयर्स. राइट, दिस इज ओडाई. Next, we have Paisara. कहाँ पे है Paisara? बिहार, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार. मुंगेर, MUNGER, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार. Now, what were the periods during which it was occupied? During the Paleolithic as well as Mesolithic age. Okay? So it is a Paleolithic, Mesolithic site.
दिस वॉज ऑल्सो अ फैक्ट्री साइट फॉर मेकिंग टूल्स, अ फैक्ट्री साइट वेयर टूल्स वर मेड. Now, from this region, we also have evidence that people had started to live in artificial dwellings, artificial huts, etc. Write down evidence of artificial dwelling. And animal domestication are available. Artificial dwellings and animal domestication are available. Clear? Next is Las Bela, Pakistan mein hai. It is located close to the mouth of the river Indus. Location? Balochistan, Pakistan. Balochistan, Pakistan. Near the mouth of the river Indus. Now, write down about it. A lower Paleolithic site. A lower Paleolithic site with a large number of wild animal bones. Wild animal bones. Okay. Now we also have evidence that people living in this region also subsisted on aquatic life, including not necessarily fish, but tortoise. Tortoise khate the, right? So evidence of consumption of aquatic life, including tortoise. ये हो गया Las Bela. नंबर 25 वी हैव पिंजौर. दिस इज इन हरियाणा. पिंजौर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है. पंचकुला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा. Extremely old tools believed to be around 2 lakh years old have been excavated here. Extremely old tools around 2 lakh years old have been discovered. Animal bones indicate that this region was quite wet and humid during the Paleolithic age. During the Paleolithic age. Why? Because कौन से animals की bones मिलेंगी ऐसे, हाँ, जो कि water से associated है. हिप्पो, वाटर बफलो, स्ट्रेट टस्क, एलिफेंट एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें मिलती हैं, राइट. नेक्स्ट ये हो गया आपका पिंजौर. नेक्स्ट इज द मांडोवी वैली. दिस इज इन गोवा. लोकेशन नियर पणजी. सिग्निफिकेंस क्या है? वेरियस रॉक शेल्टर्स, टूल्स एंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन फाउंड. वेरियस शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स, टूल्स एंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन फाउंड.
हाँ जैसे भी आप नंबर करना चाहो आप अलग उसको चेंज कर सकते हो, ये केवल मैंने ऐसे अरेंज किया है, रैंडमली अरेंज किया है। मेरा केवल एक चीज था कि एक साइट के, एक स्टेट के सारे साइट्स, ज्यादातर मेरी कोशिश रहेगी कि एक जगह पे आ जाए, दैट इज इट। नेक्स्ट वी हैव पलक्कड़ और पालघाट। कहाँ पे है ये? केरला। डिस्ट्रिक्ट इज पालघाट, पलगढ़, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ही है केरला में। राइट डाउन, वी फाइंड एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग, एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द लोअर एंड मिडिल पेलियोलिथिक एज, लोअर एंड मिडिल पेलियोलिथिक एज। नेक्स्ट पॉइंट, टूल्स वर मेड फ्रॉम क्वार्ट्जाइट एंड चर्ट, CHERT। ठीक है, ये हो गया पलक्कड़। नेक्स्ट इज सुंदरगढ़, दिस इज इन ओडिशा। राइट डाउन सुंदरगढ़ लोकेशन, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिलता है यहां से? वंस अगेन इट शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम पेलियोलिथिक टू मीजोलिथिक एज। राइट डाउन टूल्स फाउंड हियर, टूल्स फाउंड हियर शो अ ट्रांजिशन फ्रॉम पेलियोलिथिक टू द मीजोलिथिक एज। So what kind of tools do you think would be found here? Large number of microliths in association with blade tools. Large number of microliths in association with blades are found. Located close to this only, there is another site, Sambalpur. नेक्स्ट इज संबलपुर। वंस अगेन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। अतिरपक्कम एंड पल्लावरम में डिस्टिंग्विश कैसे करें? सो पल्लावरम यू कैन से इट इज द type site, while Athirappakkam is an important site for the Madras culture. That is one way you can distinguish. Kisme? Achha. They are quite close by. Athirappakkam is located closer to the coast. That is one thing that you can see over here. And A paleolithic site. दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब प्रैक्टिस से सी यू कैन एसोसिएट पेलियोलिथिक, ये सॉरी अतिरपक्कम विद दिस पर्टिकुलर नॉच, ये जो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इससे चिपका हुआ और कोस्ट पर है तो दिस इज अतिरपक्कम। इफ इट इज लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉच देन इट इज प्रोबेबली पल्लावरम। ठीक है, इवन मोर फर्दर अवे तो कौन सा साइट था ये? दिस वन ओडाई, राइट, विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट। सो दैट इज हाउ यू वुड डिस्टिंग्विश। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तभी क्लियर होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ तो कौन सा डिस्कस कर रहे थे हम? संबलपुर। राइट डाउन evidence of lower and middle paleolithic tools, evidence of lower and middle paleolithic tools have been found,
हैव बीन फाउंड. राइट, पल्लावरम गोदावरी पर है. नहीं, द साइट ऑफ पल्लावरम इज नॉट द सेम एज द, वो पल्लावरम एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, तो हिस्टोरिकल साइट ऑफ पल्लावरम इज इन तमिलनाडु, जो प्रोजेक्ट बन रहा है गोदावरी के ऊपर, दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. तो दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ ईच अदर. हाँ, क्या लिखा है, लोअर एंड मिडिल पेलियोलिथिक साइट. नेक्स्ट राइट, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इंक्लूडिंग वॉटर बफलो, एंड टॉर्टोइज शेल्स, एंड टॉर्टोइज शेल्स. वॉट डज दिस टेल यू? Once again, this region was quite wet, right? Indicating tortoise shell, wet climate, indicating a wet climate. And last wala, number 30, Bankura. This is in West Bengal. लोकेशन है बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट और बृद्धमान डिस्ट्रिक्ट. नो आई थिंक नेम हैज चेंज्ड. बृद्धमान डिस्ट्रिक्ट, अर्लियर इट वॉज नोन एज बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. Now, this is located south of the Damodar River and along with a large number of hand axes and other tools from the lower and middle Paleolithic age, a large number of fossilized animal bones have also been found here. Likho, along with stone tools of the lower and middle Paleolithic age, of the lower and middle Paleolithic age, comma, a large number of fossilized animal bones have been found, theek hai. So these are the sites which are relevant for Paleolithic age. I have not covered all the sites, लेकिन वो वाली sites जो कि UPSC historically questions मतलब examination में पूछता है, those ones I have covered, and those who have other special significance which UPSC has not asked till now, but may ask in the future, those ones I have covered. In your Upinder Singh and other books, you are going to find a large number of other sites. My suggestion to you would be कि पहले इन साइट्स को आप सॉलिडिफाई कर लो, यू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, देन यू ग्रेजुएट ऑन टू अदर साइट्स. इफ यू वांट टू ऐड अ फ्यू साइट्स हियर, यू आर फ्री टू डू सो, आई वुड एनकरेज यू टू डू सो, बट ऐसा मत करो कि पूरे का पूरा मैप आप भर दो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सेलेक्टिव. ठीक है, दैट इज ऑल आई वुड से. वी आर गोइंग टू टेक अ 5 मिनट ब्रेक, नोट वही आया हुआ था, उसके बाद मिलते हैं. ठीक है, हाँ तो नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, दिस वुड बी सफिशियंट. पहले इतना करो, इसी में आपके 450 साइट्स हो जाएंगी, उसको रोज रिवाइज भी करना है आपको 15-20 मिनट लगा करके. यू हैव टू फ्रीक्वेंटली स्टार्ट कीप टेस्टिंग योर सेल्फ. आपको क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह करोगे तो उसमें भी आएगा, तो पता लगेगा कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है. तो दिस इज मोर देन इनफ, आपका काम इसमें हो जाएगा. यू विल बी एबल टू कैच गुड मार्क्स. मैक्सिमम एक दो हो सकता है मिस हो इन दी एंटायर एग्जाम, लेकिन वो एक दो अगर मिस भी होते हैं तो भी इट इज नॉट अ वेरी बिग लॉस, क्योंकि उतना सबका होता ही होता है, एक जो सब कोई मिस करता ही करता है, फिर मिस आइडेंटिफाई कर देता है.
इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट मोर देन वन और टू साइड्स. तो 18 या 19 तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं और वो आपका यहाँ से हो जाएगा. सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू एड एनी थिंग एल्स इन टू दिस दैट इज ऑल्सो गुड इनफ. अगर आप क्या बोलते हैं इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस लिस्ट ऑफ साइट्स तो मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, टॉपर्स की कॉपीज मिल जाएंगी, टॉपर्स का मैपवर्क मिल जाएगा, वहां से आप साइट्स को कलेक्ट कर सकते हो. यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो. लेकिन मैंने बहुत सेलेक्टिव होकर के ये वाली साइट्स केवल पिक करी हैं बिकॉज आई बिलीव दैट दीज हैव द ग्रेटेस्ट चांस ऑफ अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन. ऑफकोर्स कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, कुछ ना कुछ मिस होगा, बट चांसेस आर क्वाइट लिमिटेड क्योंकि काफी जगह से सर्वे करने की बात की है. ठीक है.